नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स दिखा रही हूँ, लीव्स दिखा रही हूँ और ये धागा है। तो मैं आज आप लोगों को फुलेरा बना करके बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट में बनने वाला फुलेरा आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं इसके पहले बड़ा फुलेरा दिखाई थी बड़ी टोकनी में और ये छोटी टोकनी में आप लोगों को सेम उसी तरह से। तो मैं पलट के सबको कॉम्बिनेशन बना के रखी थी और सीधा करके पूरे फ्लावर्स को बांध ली हूँ और धागा को काट ली हूँ। तो देखिए इस प्रकार से फुलेरा हमारा कितना अच्छा लगता है। और बचे हुए धागे को और काट के निकाल देंगे तो और भी फुलेरे का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। इसके आगे अगर हमको डेकोरेशन नहीं करना है तो भी चलेगा, इसके ऊपर चुन्नी ओढ़ा करके इसका लुक अच्छा कर सकते हैं। पर मैं इसके आगे डेकोरेशन आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी दूबी से। क्योंकि तीज के दिन हरितालिका की पूजा की जाती है, हरितालिका मतलब शंकर भगवान पार्वती मैया की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा पार्वती मैया जिस दिन की थी उसी दिन से ये हरितालिका का व्रत सभी महिलाएं बड़ी श्रद्धा से मनाती हैं और पूजा करती हैं। जस्ट दूसरे दिन से गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि दूबी का छोटू सा फुलेरा बना के आप लोगों को दिखाऊं आइडिया के लिए। तो इसमें हम झूला जैसा गणेश जी को भी बिठा के झूला सकते हैं और गणेश भगवान के लिए दूबी का हम इस तरह से फूलों का झूमर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा गणेश भगवान को पसंद आएगा। अब मैं इसमें गुलाब की फूलों को सजा दी हूँ और इसके ऊपर एक गेंदा का फूल भी सजाऊंगी तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड थोड़ा सा खाली दिख रहा है वहाँ पर मैं बेलपत्री को डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि इस फुलहरे वाला झूमर का लुक और भी अच्छा आ जाए। इस तरह से हम घर पे रखे हुए सामानों से बना सकते हैं, क्योंकि हरितालिका की पूजा के लिए जो कटे हुए बांस रहते हैं वो अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस तरह से हमारे पास नई नई टोकनियाँ हर छठ की पूजा में मिलती हैं, उससे हम बना सकते हैं और तीज की पूजा को आसान कर सकते हैं।